A very warm good morning everyone. How are you? Class 5th. Today I will tell you a tense. आज मैम आपको टेंस के बारे में बताएंगे, ओके? टेंस के बारे में जो हम लिखेंगे समझेंगे वो हम करेंगे कल, ठीक है? आज मैम एक टेंस की छोटी सी नन्ही सी स्टोरी सुनाएंगे आपको, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज टेंस, टेंस है क्या? हम सब तो कुछ जानते ही नहीं टेंस के बारे में, समझिए टेंस है क्या, ठीक है? टेंस क्या था? एक दादाजी का नेम था टेंस, ठीक है? जो सरनेम होते हैं ना, ऐसे सरनेम था टेंस। अब दादाजी के 3 बेटे हुए। कितने बेटे हुए दादाजी के? 3। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, ओके? दादाजी के कितने बेटे हुए? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हाउ मेनी? 3 सन हुए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्लियर? अब बेटा क्या होता है, आप लोग भी बहन भाई हैं, सबका अपना अपना नेचर होता है, सबका अपना अपना होता है कि कोई कैसी बातें करता है, कोई कैसी बातें करता है, कोई बहुत मोटिवेशन वाली बातें करता है, कोई पॉजिटिव वाली बातें करता है, कोई हमेशा नेगेटिव वाली है, लटका सा रहता है, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बातें करते हैं। इसी तरह प्रेजेंट का जो स्टार्टिंग से नेचर था, प्रेजेंट हमेशा आज की बातें करता था, प्रेजेंट अभी की, इसी समय की बात करता था कि मुझे अभी क्या करना है। पास्ट हमेशा पुरानी बातें, मम्मा हम वहां जाया करते थे ना, हम खाया करते थे ना, हमेशा पुरानी बातों में लगा रहता है। क्लियर? फ्यूचर हमेशा आने वाले की बात करता है, हम वहां जाएंगे, हम वहां ऐसे करेंगे, अभी जो कर रहे हैं उसकी बात नहीं। तो प्रेजेंट क्या करता था? करंट की बातें। पास्ट क्या करता था? पुरानी बातें। एंड फ्यूचर क्या करता था? आने वाली बातें, जो अभी हुई नहीं है वो आने वाली बातें, ठीक है? अब भाई धीरे 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 बड़े होते गए, बड़े होते गए, ये तीनों बड़े हो गए। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे आपके पापा अपने नेम के आगे गुप्ता लगाते हैं, तो आप भी क्या करते हैं? अपने नेम के आगे गुप्ता लगा लेते हैं। आपके पापा शर्मा लगाते हैं, आप शर्मा लगा लेते हैं। आपके पापा गुजर लगाते हैं, आप गुजर लगा लेते हैं। ऐसा होता है ना। ऐसे जब टेंस के 3 बच्चे थे, टेंस ने अपने तीनों बच्चों के क्या नेम रखे थे? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्लियर? टेंस ने बच्चों के क्या क्या नेम रखे थे? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट आज की बात करता था, पास्ट पहले की बातें करता था, एंड फ्यूचर आने वाले टाइम की बातें करता था। फिर सरनेम तो लगाना ही है, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। क्लियर? अब बड़े होते गए भाई, बड़े हो गए, तो बच्चे बड़े हो गए तो मैरिज तो करनी पड़ेगी भाई। मन में लड्डू फूटे, अरे ये तो पढ़ लो पहले, लड्डू बाद में फोड़ना, चलिए ठीक है। तो प्रेजेंट की मैरिज हुई। अब प्रेजेंट की मैरिज हुई तो प्रेजेंट की 4 सन हुए। प्रेजेंट ने कहा, ओह गॉड, 4 सन, क्या नेम रखूं? तो उसने कहा चलो इनका नाम रखा जाता है। तो एक का नाम उसने रखा सिंपल, फर्स्ट का नेम क्या रखा? सिंपल। सेकंड का नेम रखा कंटिन्यूअस। थर्ड का नेम रखा परफेक्ट। एंड फोर्थ का नेम रखा परफेक्ट। तो मैं एक बार रिपीट करती हूँ आपको कि सिंपल, वो प्रेजेंट की कितने सन हुए थे? प्रेजेंट की 4 सन हुए थे। बड़े बेटे का नाम सिंपल, सेकंड बेटे का नाम कंटिन्यूअस, थर्ड बेटे का नेम परफेक्ट, एंड फोर्थ बेटे का नेम परफेक्ट कंटिन्यू। बोले यार मैं तो परेशान हो गया, तो उसने सोचा थर्ड और सेकंड नंबर के बेटे का दोनों का मिला के एक ही नेम रख देता हूँ उसका। तो थर्ड वाले का नेम क्या था? परफेक्ट। और सेकंड वाले का कंटिन्यूअस। तो फोर्थ वाले का नेम रख दिया परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। बड़े बेटे का नेम, रिपीट विद मी, सिंपल। सेकंड बेटे का नेम कंटिन्यूअस। थर्ड बेटे का नाम परफेक्ट। और फोर्थ का, थर्ड और सेकंड का मिला के परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ओके, ये तो फ्री हो गया साहब, चलो अपने नेम वेम रख दिए, सब काम हो गया फ्री। अब पास्ट, पास्ट की मैरिज हुई, उसके भी 4 सन हो गए। वो भागा भागा प्रेजेंट के पास गया, भैया यार बहुत टेंशन है, क्या करूं,
चार चार बेटे हो गए, क्या नेम रखूं इनका। बोले यार क्यों टेंशन करता है, मेरे भी 4 बेटे तेरे भी 4 बेटे, जो मेरे बच्चों का नाम है वही तू रख ले। बोले अरे भैया ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। बोले हाँ। बोले चलो मैं भी यही रख देता हूँ। तो क्या किया पाश ने, उसने भी अपने बेटे का नाम बड़े का सिंपल, सेकंड बेटे का नाम कंटिन्यूअस, थर्ड बेटे का नाम परफेक्ट और फोर्थ का थर्ड और सेकंड का मिला के रख दिया परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके काम फ्री। अब छोटे बेटे का नंबर आया मैरिज का, तो किसका नंबर था अब, प्रेजेंट कर चुका पास्ट कर चुका, अब कौन से टेंस का नंबर था, फ्यूचर टेंस का है ना, अब फ्यूचर टेंस का था। तो फ्यूचर ने अपने बेटों का, जब 4 बेटे हुए, बोला यार दोनों भाई तो फ्री हो गए अपने अपने बच्चों के नेम रख के, अब मैं क्या नेम रखूं अपने बच्चों का। तो वो फिर गया अपने भैया के पास भागा भागा। दोनों ने कहा अरे यार टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं करनी हमको, जो हमारे बच्चों के नेम है वही तू रख दे। बोले अरे वाह ये तो बड़ी मजे आ गए। तो उसने भी अपने बच्चों के नेम क्या रख दिए, क्या रखा, सिंपल देन कंटिन्यूअस देन परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दादाजी कौन थे टेंस, टेंस बोले चलो यार कहीं घूमने फिरने चलते हैं, भाई इतने सारे बच्चे हैं तो ये कार वार में तो आएंगे नहीं, बस करी बड़ी वाली बस करी थी इनके लिए, चलो आज अपन पिकनिक पे चलेंगे। सब जने बहुत खुश थे और पिकनिक पे गए। पिकनिक पे गए, दादाजी ने आवाज़ लगाई सिंपल जल्दी से पिज्ज़ा लेकर आ बेटा। अब वो पिज्ज़ा लेके आने लगा, तीनों की तीनों सिंपल भाग गया और लड़ाई कर कर के वो पिज्ज़े का पूरा ख़राब कर दिया पिज्ज़ा, बड़ा गुस्सा आया। कंटिन्यूस से कहा कंटिन्यूस जाओ जल्दी से खाना सर्व करो सबके लिए। अब वो फाइटिंग करने लगे, तीनों कंटिन्यूस आ गए, प्रेजेंट के पास्ट के फ्यूचर के तीनों के बेटे आ गए कंटिन्यूस और तीनों फाइटिंग करने लगे, पूरा खाना फैल गया फाइटिंग के चक्कर में। फिर परफेक्ट से कहा, ऐसी परफेक्ट कंटिन्यूस से कहा, मतलब इन लोगों की फाइटिंग हर बात पर पे फाइटिंग, हर बात बात पे फाइटिंग, नहीं मुझे कहा है मैं करूँगा, नहीं मुझे कहा है मैं करूँगा। तो बहुत फाइटिंग हुई, एट लास्ट क्या हुआ उनका मूड ऑफ हो गया और वो घर पर आए और अपने तीनों बेटों को, टेंस के तीन बेटे कौन थे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों को बुला के इतनी तेज डांट लगाई, तुम्हें कोई नाम नहीं मिला था रखने के लिए, परेशान करके रख दिया है, ये है वो है। तो अब तीनों टेंशन में क्या नेम रखें इनका। बोले भाई यार अब नेम चेंज करना तो बस की है नहीं, अपने नेम तो अपन यही रखेंगे बच्चों के, लेकिन इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, हमारे पापा ने अपना सरनेम हमारे आगे लगाया है ना, तो क्यों ना हम हमारा नेम इनके आगे लगा देते हैं और सरनेम इनके पीछे। तो प्रेजेंट के बेटे का नाम हुआ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सेकंड बेटे का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड बेटे का नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ बेटे का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेम तीनों बच्चों के सेम थे लेकिन उन्होंने अपना नेम और सरनेम उनको दे करके चेंज कर दिया। फिर आया पास्ट का, पास्ट ने भी ऐसे किया, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रॉब्लम सॉल्व आउट, नेम सबके सेम लेकिन अलग अलग। अब आया फ्यूचर का, तो फ्यूचर ने भी ऐसे किया, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से बच्चों शायद आपको इस स्टोरी के थ्रू टेंस के तीनों बच्चों के नेम अच्छे से लर्न हो गए होंगे और इन तीनों बच्चों के जो 4-4 बेबी थे उनके नेम भी अच्छे से लर्न हो गए होंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।